हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कोट का चेस्ट पैड किस तरह से लगाते हैं। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से काट रहा हूँ। जहाँ पर निपल फोल्ड होता है ये मैंने काट लिया है। यहाँ पर काट लीजिए कप कॉलर के पास, ये पीस हटा दीजिए। इसके बाद इसको हटा लीजिए, ये हट गया है। यहाँ नीचे से थोड़ा सा शेप दीजिए ऊपर की तरफ। अब मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, देखिए ये मार्जिन है, ये मैं काट रहा हूँ, ये मार्जिन है। ये थोड़ा मार्जिन निकाल लेना है इसमें से। ये मार्जिन निकल गया, कॉलर का पॉइंट बैठता है वहाँ पर, ये उसके लिए काम में आता है। अब ये इसका देख लीजिए शेप इस तरह से है। अब मैंने इसको आयरन कर रहा हूँ, इसको आयरन से साफ़ करना है। इसको पहले भिगोना है पानी में, भिगो कर सुखाना है, उसके बाद में ये यूज़ करना है, क्योंकि ये शिंग होता है। इसको आयरन से बिल्कुल साफ़ कर लें, इस तरह से पूरा सा साफ़ कर लें। ये डबल है, फिर ये छोटा सा पीस, ये पीस कहाँ पर लगता है मैं आपको बताऊँगा। शोल्डर के ऊपर लगता है ये पीस के बारे में बताऊँगा। इसको इस तरह से लगा लेना है, लगा करके ये पक्का सिलाई मारना है। ये कच्चा सिलाई नहीं है, ये पक्का सिलाई है, ये पक्का सिलाई है, ये पक्का सिलाई मार लीजिए। यहाँ पर ख़त्म है। आप इसको पलटाइए सीधा कर करके, ये भी पक्का सिलाई है। इसको पूरा से इसको अटैच करना है चेस्ट के ऊपर, ये भी पक्का सिलाई है पूरा। इसको इसमें फोल्ड नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी बॉडी फोल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार फोल्ड हो गया तो वो फोल्ड जाता नहीं है, वो फॉल्ट हमेशा ही दिखाई देता है। तो ये बॉडी बिल्कुल साफ रखना है, फोल्ड नहीं आना है। अब इसको पूरा पूरा चारों तरफ मार ले, मार लेना है सिलाई, यानी कि तीनों तरफ। अब इधर भी अटैच कर लेना है सिलाई से। ये पूरा पक्का सिलाई, कच्चा सिलाई नहीं है, ये सिलाई खुलता नहीं है। इसको काट लीजिए, ये मार्जिन जितना भी बचता है इसको काट दीजिए। काट करके बॉडी के लेवल में इसको काट लेना है। ये कट गया है बॉडी के लेवल पे, ये हो गया है। यहाँ पर देखिए, ये ऊपर मार्जिन है ये। अब वो पीस मैंने जो काटा है उसको दो कर लेना है, बीच में से काट करके दो टुकड़े बना लेके, एक टुकड़ा इसके नीचे लगा देना है फ्रंट के, फिर उसके ऊपर बैक आता है, बैक कुछ जॉइंट कर लेना है। ये शोल्डर, ये शोल्डर पीस मैंने नीचे लगाया है एयर बकरम का। ये बकरम लगाने से क्या होता है बोलते, ये चीरमा का काम करता है। हम शोल्डर पे चीरमा नहीं करते हैं, ये चीरमा का काम करता है। चीरमा होता नहीं है शोल्डर, मगर ऐसा लगता है ऊपर से कि ये चीरमा हो चुका है। ये नई टेक्नोलॉजी है, ये कोई भी यूज़ नहीं करता है, बहुत कम लोगों को ये इसके बारे में जानकारी है। ये बहुत सारे लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसको ये यूज़ करने से ये इधर फॉल्ट भी नहीं आता है शोल्डर के पास। कोट जब पहनता है कस्टमर तो इसको फोल्ड भी नहीं आता है, क्योंकि रिंकल्स जो मारता है वो रिंकल्स को भी ये दूर कर देता है। ये बहुत सारे, ये बहुत काम आता है ये पीस जो नीचे मैंने लगाया। ये हो गया शोल्डर का जॉइंट। अब मैं इसको साइड भी अटैच कर लेना है, इसका साइड का जो जॉइंट है ना, इसको भी इसके साथ में जॉइंट कर लीजिए। ये साइड भी जॉइंट कर लेना है इसके साथ साथ। जहाँ पर मार्जिन है वहीं पर लगाना है, जहाँ पर हमने निशान लगाया है मैं इसी तरह से पूरा कोट का फिनिशिंग बताऊंगा, पूरा मुकम्मल कोट का काम धीरे धीरे कर करके एक एक पार्ट में बताऊंगा। उसके बाद में एक ही वीडियो बना करके अटैच करके डालूंगा फुल वीडियो मुकम्मल कोट का। ये मार्जिन छोड़ लेना है, ये दूसरा तरफ का भी जॉइंट कर लेना है।
उधर बराबर रखना है ऊपर के हिस्से में। इधर थोड़ा लाइनिंग के लिए मार्जिन छोड़ना है। लाइनिंग जॉइन करने के लिए थोड़ा मार्जिन छोड़ करके ये साइड जॉइंट हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट, अब इसको आयरन करना है। आयरन में देखिए इसको इधर फोल्ड हो जाता है, ये सामने के हिस्से पर, ये सामने फोल्ड हो गया, इसको साफ कर लिया। ये सामने फोल्ड हो गया, इसको ऐसे दबाना है इस स्किल से। अब देखिए ये भी फोल्ड कर दीजिए आयरन से। ये जो मैंने पीस लगाया है ये वन साइड ही फोल्ड हो जाता है। ये वन साइड फोल्ड होने से क्या है, शोल्डर चीरमा के जैसा दिखता है, मगर शोल्डर चीरमा होता नहीं है, शोल्डर का मार्जिन सिर्फ वन साइड ही रहता है। अब इधर देख लीजिए चीरमा हो गया, मैंने चीरमा तो नहीं किया है मगर इधर चीरमा बता रहा है। देखिए इससे शोल्डर में फॉल्ट भी नहीं आएगा, जो जो भी छोटा मोटा फॉल्ट है वो भी चला जाएगा इससे। पहनने के बाद में फोल्ड नहीं आएगा, कॉलर के पास जो फोल्ड मारता है वो फोल्ड भी नहीं आएगा, फोल्ड भी चला जाएगा ये पीस लगाने से। ये पीस बहुत हेल्प करता है। ये हो गया, ये पीस मैंने लगा लिया। अब इधर साइड में भी आयरन मार लीजिएगा। साइड का माया चीरमा भी कर सकते हैं, वन साइड भी डाल दे सकते हैं। जो साइज़ छोटा होता है, जिसका शेप बॉडी होता है, तो उसको तो चीरमा नहीं करना चाहिए, उसको अंदर कस के मार करके वन साइड कर देना चाहिए, क्योंकि वो चीरमा करने से मार्जिन पकड़ लेता है अंदर। मार्जिन पकड़ करके बहुत सारा फॉल्ट बताता है ऊपर, मार्जिन अंदर पकड़ना नहीं चाहिए। जिसका बॉडी शेप में है उसको तो मैं ही बोलता हूँ कि मार्जिन रखो ही मत अंदर, मार्जिन ही उड़ा दो। मार्जिन रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो बहुत फॉल्ट बताता है, मार्जिन तो खींचता है अंदर से। और जिसका बॉडी शेप में नहीं है, जिसका बॉडी स्ट्रेट है उसको मार्जिन लगा सकते हैं, क्योंकि उसका शेप नहीं आता है। अब इसको जॉइंट कर लेना है यहाँ पर, जानना जो हमने फोल्ड किया था आयरन से, हमने इधर उसको फोल्ड किया था, उधर जॉइंट कर देना है। ये इधर भी जॉइंट कर लेना है, दोनों तरफ जॉइंट कर लेना है, सामने और शोल्डर की तरफ और कॉलर की तरफ। ये मैंने जॉइंट कर लिया, आप लोगों को अच्छा सा समझ में आ रहा होगा। ये चेस्ट पैड लगाने का है सिर्फ, मैं बता रहा हूँ। और नेक्स्ट जो है कोट का कॉलर का, अभी वीडियो में अभी डालने वाला हूँ मैं, एक दो दिन में कोट का कॉलर का वीडियो भी आ जाएगा। कोट का कॉलर लेटेस्ट टाइप में जो कॉलर है आ रहा है, वही काम मैं बता रहा हूँ, जो ओल्ड का काम नहीं बता रहा हूँ। इधर कच्चा सिलाई मार लीजिए, थोड़ा थोड़ा कच्चा सिलाई, इसको खोलना है फिर बाद में से। ये थोड़ा इसलिए मारना है कि वो डिस्टर्ब ना करे, जब कॉलर लगाते हैं तो वो डिस्टर्ब करता है अंदर से चेस्ट पैड, वो डिस्टर्ब नहीं करने के लिए ये कच्चा सिलाई मार लेना है।